हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में बदमाश बेखौफ बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप से 38,000 लूटकर हुए फरार। पुलिस की टीमें जुटी बदमाशों की तलाश में। बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लूट की ये वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस टीम में बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बाड़मेर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। बीते रात बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप से रुपए लूटकर फरार हो गए। दरअसल बाड़मेर जिले के सदर थाना अंतर्गत जाकड़ों की ठाणी के पास पेट्रोल पंप पर 5 बदमाशों ने पिस्तौल को दिखाकर रुपए लूटकर ले गए। सूचना पर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार जाकड़ों की ठाणी के पास पेट्रोल पंप देर रात बोलेरो गाड़ी में 5 लोग सवार होकर आए और पेट्रोल पंप के सेल्समैन को धक्का देकर उस पर पिस्तौल तान दी और उसे पैसे मांगे। पैसे नहीं होने पर ऑफिस में जाकर करीब 38,000 लूट कर बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बम्पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि बाड़मेर में बदमाश बेखौफ हो रहे हैं। ये इसी तरह बोतिया गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी को भी लूट कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हैं दीपक भार्गव, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर। इन्होंने ये कहा, इसमें हमारी क्रिमिनल इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल टीमें हैं वो लगी हुई हैं और आशा करते हैं जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। सदर इलाके में से बोलेरो गाड़ी के पे सवारों के कुछ थोड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद में छीन के ले गए थे और रात में जाखड़ों की ढाणी वहाँ पे पेट्रोल पंप की लूट हुई है। तो दोनों में टीम्स लगी हुई हैं। एडिशनल एसपी साहब को मौके पर भेजा है और आशा करते हैं जल्द पकड़ में आएंगे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।